नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये जनता के सीएम पुणे में अजीत पवार के समर्थन में लगे पोस्टर। एनसीपी नेता अजीत पवार को पहले कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर किया गया। इसके बाद वे पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे और अब उनके नाम से एक नया विवाद पुणे के कोथरूड से सामने आया है। इसमें कोथरूड की सड़कों पर जगह जगह अजीत पवार के पोस्टर लगे हैं। इसमें उन्हें जनता का मुख्यमंत्री बताया गया है। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। कहा था कि इसके लिए उन्हें 2024 का इंतजार नहीं करना होगा। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी सीख रहे हैं, जब तक वे समझदार होंगे उनकी कुर्सी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि वे बतौर उप मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। उनके समय के दोनों मुख्यमंत्रियों उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान को भी दोस्तों तजुर्बा नहीं था, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते सरकार का पूरा कामकाज संभाला था। इससे पहले मराठा आरक्षण संबंधी बैठक में उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आमंत्रित नहीं किया था। वहीं दोस्तों, जबकि नेता प्रतिपक्ष होने के साथ ही वह खुद को एक बड़े मराठा नेता की हैसियत रखते हैं, वहीं दूसरी ओर खुद उनकी ही पार्टी द्वारा एक बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। पार्टी की ओर से उन्हें दूसरा झटका कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर करके दिया गया है। हालांकि इन सब घटनाक्रम को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा तेज हो गई है। साथ ही उनकी भावी रणनीति को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। हालांकि शुक्रवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजीत पवार ने कहा था कि वह राकापा की बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह से अन्य कार्यक्रम में व्यस्तता बताई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठक में उनकी अनुपस्थिति को तूल नहीं देने की बात भी की थी। इस दौरान दोस्तों ये चर्चा भी है कि वह बीजेपी के संपर्क में है। 2024 से पहले उनके मुख्यमंत्री बनने के दावे के पीछे भी इस बात को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि खुद अजीत पवार ने दावा किया है कि जब तक उनके शरीर में जान है वह एनसीपी में बने रहेंगे। एनसीपी के अलावा कोई और विचारधारा ने तो उन्हें आज तक प्रभावित किया है और ना भविष्य में ऐसी कोई संभावना है। लेकिन इसी बीच बहुत ही बड़ी खबर सामने आई। पुणे के कोथरूड में दोस्तों जगह जगह अजीत पवार के पोस्टर लगे हैं, जिनमें लिखा है कि जनता का मुख्यमंत्री दोस्तों अजीत पवार है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जनता ने दोस्तों अजीत पवार को मुख्यमंत्री भी मान लिया है। जगह जगह पोस्टर लगे, इसके बाद महाराष्ट्र में घमासान शुरू हो गया है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।